दोस्तों भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है और भारत रक्षा के क्षेत्र में सबसे उभरता हुआ देश है। यहाँ का रक्षा बजट कई देशों की जीडीपी के बराबर है और भारत में जारी एरो इंडिया शो में 500 से ज्यादा कंपनियों ने शिरकत की है। दुनिया भर की डिफेंस कंपनियां अपने खास प्रोडक्ट भारत को ऑफर कर रही है, जिसमें से कई फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा कई फाइटर प्लेन भारतीय सेना को अपनी सेवा देने के लिए कतार में शामिल है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टेंट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे महंगे फाइटर प्लेन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर एक बार तो आप जरूर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों किसी भी युद्ध को जीतने के लिए इरादों के साथ असरदार हथियार चाहिए होते हैं और उसमें से कई बार आधी जंगे दुश्मन को हथियार का भय दिखाकर ही जीत ली जाती है। इसका ताजा उदाहरण है इजराइल, जिसने अपनी तकनीक और बेहतर हथियारों के दम पर मध्य पूर्व एशिया में अपने दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करके रखा है। इसके अलावा शीत युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका में भी बेहतर हथियारों को विकसित करने की होड़ शुरू हो गई थी। युद्ध के दौरान लड़ाकू विमानों की भूमिका भी सबसे ज्यादा होती है और यह किसी भी लड़ाई का रुख मोड़ सकती है। दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमान जो बेशकीमती है, कई बार इन हथियारों को बनाने में आने वाला खर्च अमेरिका सरकार भी नहीं उठा पाई है और कुछ समय के लिए उसने अपने प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, यह लड़ाकू विमान इतने महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक सबसे महंगी होती है। चलो दोस्तों जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कौन से फाइटर जेट मौजूद है जो कि इतने महंगे हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता सुखोई SU-30 MKI। यह फाइटर जेट 350 से 400 करोड़ रुपए के बीच कीमत का सुखोई SU-30 MKI भारतीय वायुसेना का एक अहम हिस्सा है। दो इंजन वाला यह फाइटर प्लेन तेज गति वाला प्लेन है और 2007 में एक एक्सरसाइज के दौरान इस प्लेन ने यूरो फाइटर को भी पीछे छोड़ दिया था। मल्टी रोल फाइटर एक बार में 10 एयर टू एयर मिसाइल ले जा सकता है, तो वहीं क्रूज मिसाइल और बम के साथ बॉम्बर की भूमिका भी निभा सकता है। इसके अलावा द रिचेस्ट की लिस्ट में यह फाइटर प्लेन 7वें नंबर पर है। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आता JS-39 Griffin। JS-39 Griffin SAAB के द्वारा डेवलप किया गया मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। यह फाइटर प्लेन 800 मीटर के छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है और यह प्लेन 120 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर हमला कर सकता है। फिलहाल यह कंपनी अपने प्लेन को भारतीय वायुसेना को ऑफर कर रही है। इसके अलावा अपने प्लेन के साथ फिलहाल एरो इंडिया में शामिल है और इस फाइटर प्लेन की कीमत करीब 450 करोड़ रुपए है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है यूरोफाइटर टाइफून। यूरोप की 3 सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों के सहयोग से तैयार हुआ यूरोफाइटर टाइफून, जिसकी कीमत करीब 650 करोड़ रुपए है। इसके अलावा टाइफून में स्टेलियो फीचर नहीं है और यह रडार को धोखा देने में कामयाब रह सकता है। यह फाइटर 2011 में लीबिया संघर्ष में हिस्सा ले चुका है और भारतीय वायुसेना में फाइटर प्लेन की तलाश में जिन विकल्प को आखिर में रखा गया उसमें से ये यूरो फाइटर भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता F-35 Lightning। F-35 भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बना स्टेलियो पहला रडार की पकड़ से दूर फाइटर प्लेन है।
हाल ही में प्लेन बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भी अब तक की सबसे सस्ती कीमत पर अमेरिका सरकार के साथ इस फाइटर प्लेन का सौदा किया है। कीमतें कम होने के बाद भी एक फाइटर प्लेन 600 से 650 करोड़ रुपए के बीच में मिलेगा और लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटिन के लिए भारत को भी संभावित खरीदार के रूप में देख रहा है। हालांकि भारत रूस के साथ मिलकर अपने स्तर पर पांचवी पीढ़ी का फाइटर प्लेन तैयार कर रहा है जो कि F-35 को भी टक्कर देगा। इसी के चलते हुए दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर एक पर आता F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे महंगा फाइटर प्लेन है और वेबसाइट द रिचेस्ट के मुताबिक इसकी कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए है। यह पांचवी जनरेशन का पहला फाइटर प्लेन है और रडार की पकड़ से ये प्लेन 180 किलोमीटर दूर तक अपने लक्ष्य पर हमला कर सकता है। महंगा होने की वजह से अमेरिकी सेना इस प्लेन को सीमित इस्तेमाल कर रही है। इसी के चलते हुए आज हर कोई देश अपनी रक्षा में इन फाइटर जेट को उतारना चाहता है, पर इनके बजट और मेंटेनेंस को देखते हुए यह काफी महंगे लगते है। दोस्तों आपको इनमें से सबसे बेहतरीन फाइटर जेट कौन सा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।